हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड के कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एंड ओवरव्यू के आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका अगला टॉपिक है इनपुट। दिस इज़ व्हेन इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट कैन बी डन बाय मींस ऑफ वेरियस डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, डिजिटल टैबलेट इत्यादि। जब भी कोई जानकारी कंप्यूटर में प्रवेश करती है तो वह विभिन्न उपकरणों जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, डिजिटल टैबलेट और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट होती है। जनरली आपने देखा भी होगा कभी किसी को कंप्यूटर चलाते हुए कि वह कीबोर्ड और माउस की हेल्प से ही जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा होता है उनको इन उपकरणों के द्वारा ही कंप्यूटर में इनपुट करता है। या यहाँ पर कुछ आपको इनपुट डिवाइसेस दे भी रखी हैं जैसे कि टच स्क्रीन, स्कैनर, वेबकैम, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक पॉल, माइक्रोफोन आदि। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। वंस द इनपुट इज प्रोवाइडेड द रॉ डाटा इज प्रोसेस बाय अ सुटेबल और सेलेक्टिव प्रोसेसिंग मेथड। प्रोसेसिंग इज यूजली डन बाय द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर। द CPU इज द कंपोनेंट फॉर गेटिंग द ऑपरेशंस डन। एक बार जब डेटा इनपुट किया जाता है तो वह उपयुक्त और चयनित प्रोसेसिंग विधि द्वारा प्रोसेस या तैयार किया जाता है। प्रोसेसिंग की विधि आमतौर पर कंप्यूटर में CPU द्वारा ही की जाती है। CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। CPU को जनरली लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि जितनी भी क्रियाएँ होती हैं कंप्यूटर में वो सारी CPU के माध्यम से पूर्ण। नेक्स्ट है आपका आउटपुट। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट कम्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। द इन्फॉर्मेशन कम्स आउट ऑन आउटपुट डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर और कंप्यूटर मॉनिटर। जब भी कोई जानकारी प्रोसेसिंग के बाद बाहर आती है तो वो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें मिलती है। और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलती है वह आउटपुट कहलाती है। जो भी जानकारी होती है वह आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही जैसे कि प्रिंटर या मॉनिटर के द्वारा ही बाहर आती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड ऑफ। कंप्यूटर किससे कैसे बना होता है इसके बारे में जानते हैं। अ कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर बोथ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट आर मर्ज इन टू ईच अदर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होते हैं लेकिन फिर भी यह एक दूसरे में मिले होते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज़ ब्लू, जो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है जो आपको यहाँ दे रखा है। इफ़ वी कंसिडर ह्यूमन बॉडी एज अ हार्डवेयर देन शाउल इज़ अ सॉफ्टवेयर। दो दे आर सो इमिशनली मर्ज टुगेदर स्टिल द डिफरेंस इज ह्यूज। यदि भी आप सोचें कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का शरीर होता है, वह हार्डवेयर है और उसकी जो आत्मा होती है वो सॉफ्टवेयर है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, ह्यूमन बॉडी में भी और आत्मा भी, लेकिन वह एक दूसरे से बहुत ही गहरी तरीके से या यूँ समझिए आपके बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिली होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट है हार्डवेयर। द हार्डवेयर इज़ द एक्चुअल कंपोनेंट दैट आवर कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ। दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन सी एंड टच। एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, सीडी ड्राइव, सीपीयू, ईटीसी। विदाउट द हार्डवेयर अ कंप्यूटर वुड नॉट एग्जिट। हार्डवेयर वह वास्तविक घटक है जिनसे हमारा कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर वह चीज़ें होती हैं, वह वस्तुएँ या वह डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीडी ड्राइव है, सीपीयू है। इन डिवाइसेस को हम आसानी से छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। विदाउट द हार्डवेयर अ कंप्यूटर वुड नॉट एग्जिट। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हार्डवेयर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सो इम्पोर्टेंट दैट एनी हार्डवेयर कैन नॉट बी फंक्शनल अनलेस यू हैव अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ इंस्टॉल्ड फॉर दैट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जब तक आप हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर स्थापित नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हार्डवेयर अपना जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर को आमतौर पर हम लोग प्रोग्राम या एप्स के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ कम्प्लीट होता है। आई होप सो इज़ दैट क्लियर।
होमवर्क के लिए आपको इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन आपको आपके नोटबुक में करनी है। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको करने हैं, ये सभी आपको इसी चैप्टर मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पे आपको दे रखे हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन, एंड फोर्थ नंबर पे आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये तीन ये आपको आसानी से इस चैप्टर मिल जाएंगे। और आई होप सो आप कर लेंगे इन तीनों क्वेश्चंस को और बाकी पूरी एक्सरसाइज को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।